पत्र द्वारा गुजरात 11/32 बेलदारी लेन लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर 2016। प्रिय मेघा नमस्ते। आशा करती हूँ कि वहाँ सब कुशल मंगल है। मेघा, मैं गत माह अपने माता पिता के साथ गुजरात घूमने गई थी। वहाँ की दिलचस्प बातें मैं तुम्हें अपने पत्रों द्वारा बताती रहूंगी। आज मैं तुम्हें वहाँ की नदी व उससे जुड़ी कथा के विषय में बताने जा रही हूँ। साबरमती आश्रम के निकट छल छल करती साबरमती नदी बहती है। इस आश्रम का नाम इस नदी के नाम के साथ जुड़ गया है। गांधी जी और उनके साथियों ने इस आश्रम में बैठकर ही स्वतंत्रता संग्राम का शंख फूंका था, इसीलिए उन्हें साबरमती का संत कहा जाता है। यहाँ की लोक भाषा में साबर या सांबर किरण को कहते हैं, जो इस नदी के तट पर खूब पाए जाते हैं, इसीलिए लोग इसे साबरमती के नाम से बुलाते हैं। तट पर पाए जाने वाले पशुओं के आधार पर नदियों के नाम रखने की प्रथा बहुत पुरानी है। जैसे गाय से गोदावरी और गोमती, बाघ से बाघमती इत्यादि। यहाँ के लोगों से ही इसके अवतरण की कहानी ज्ञात हुई। एक बार गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा। तालाबों और कुओं में एक बूंद भी पानी नहीं रहा। पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। गर्मी से जगह जगह धरती फट गई और उसमें दरारें पड़ गई। पशु पक्षी व मनुष्य मरने लगे। ऐसे समय में कश्यप मुनि दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, अपने जटाजूट से गंगा का थोड़ा जल अरावली पर्वत के उस पार भी टपका दीजिए। कश्यप बड़े पुण्यात्मा थे। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शंकर ने गंगा की एक धारा अरावली पहाड़ के उस पार भी बहा दी। इस प्रकार इस नदी का जन्म हुआ। गुजरात में नदियों की कमी नहीं है। यहाँ नर्मदा, ताप्ती, मही जैसी नदियां भी हैं। परंतु साबरमती तो जैसे गुजरात के लिए ही बनी है। अरावली से निकलकर जब तक यह समुद्र में गिरती है, तब तक यह गुजरात का ही हित चिंतन करती रहती है। इसके तट पर कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव, गौतम, गांगेय तथा दधीची जैसे बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की है। साबरमती आश्रम के सामने दूसरे तट पर चंद्रभागा नदी साबरमती से मिलती है। जहाँ ये नदियाँ मिलती है वहीं दधीची आश्रम है। अच्छा, अब बाकी बातें अगले पत्र में बताऊंगी। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को स्नेह। तुम्हारी मिताली।